अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीली गंदल व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैंने बनाए थे ब्रेड क्रम्स, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इस तरह से बनते हैं जिन लोगों को नहीं बनाने आते। तो होममेड ब्रेड क्रम्स जो है वो इस तरह से बनते हैं। तो जो ब्रेड के किनारे होते हैं ना, उनको काट लेना, और जो ब्रेड के साइड्स वाले पीस होते हैं उनको ले लेना, उनको इसमें डाल के तो ग्राइंड कर लेना इस तरीके से। ये मैंने बनाए हैं तो थोड़े कम हैं, फिर मैं थोड़े से और बना रही हूँ। मेरा चॉपर जो है ना, ये थोड़ा छोटा है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ बनती है, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। तो ये देखें गाइस, ब्रेड क्रम्स जो है ना, ये रेडी हो गए हैं। ये देखें, इस तरह से करके अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स को डाल के। तो लो फ्लेम पे ना मैं इसको रोस्ट करूंगी 10 से 12 मिनट तक। चम्मच जो है ना, वो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना, वो इसका चम्मच से हिलाते जाए इसको, ताकि जल ना जाए अच्छे से। सारे ब्रेड क्रम्स जो ना, वो क्रिस्पी हो जाए। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो जो नीचे वाले हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और जल जाएंगे। तो इसलिए इनको साथ साथ ऐसे ऐसे जो है ना, वो चम्मच जो है ना, उस चम्मच के साथ हिलाते जाना, मिक्स करते जाना। तो गाइस, आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप ज़्यादा बारीक कर सकते हैं उसको चॉपर में, और फिर इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी होंगे तो ये जब ड्राई हो जाएंगे ना, तो ये इतने क्रिस्पी हो जाएंगे कि आप इनको हाथ से भी इनका बारीक चूरा कर सकते हैं। तो ये देखें गाइस, ब्रेड क्रम्स जो है ना, ये तकरीबन हमारे रेडी हो गए हैं, रोस्ट भी हो चुके हैं। क्रिस्पी हो चुके हैं फुल, तो मैं इनको उतार दूंगी। दस से बारह मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। और ये देखें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।